प्रजा के पालक, उन सब में शिरोमणि है श्री राम, सब में शिरोमणि। और भगवान ने जो राज्य स्थापित किया उसकी कल्पना करके आज भी लोग तरसते हैं, राम राज चाहते। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं लोग राम राज चाहते हैं विदाउट राम, यही कमी। पहले राम को तो लाओ सेंटर में, अपने आप राम राज आ जाएगा। अब तक मानव के इतिहास में ऐसा सुंदर साम्राज्य नहीं स्थापित हुआ। भगवान श्री राम के राज्य में कभी अकाल मृत्यु नहीं हुई किसी की। अकाल मृत्यु का अर्थ होता है जवानी में मर जाना, बचपन में मर जाना, बूढ़ा होकर के मरा जाता है तो उसको अकाल मृत्यु नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं, वो किसी बच्चे के प्रणाम करने, कोई बच्चा उन्हें प्रणाम करता है तो आशीर्वाद देते हैं बुढ़ा के मर, ऐसे वो कहते हैं। तो हम लोगों को सुनने में बड़ा पटांग लगता है, लेकिन उसका परपोर्ट बहुत अच्छा है, मतलब दीर्घ जीवी बनो। वो चिरंजीवी शब्द का ही एक भाषांतर है, बूढ़ा होकर के मरो। मरना तो वही बेचारे, ये तो नहीं कह सकता कि अमर हो जाओ, ऐसा तो कहने की शब्द किसी में है नहीं। तो यह भी एक आशीर्वाद देने की कला है, एक ढंग है। और हमेशा यही कहते हैं लड़कों, कोई प्रणाम करता है तो कहते बूढ़ा होकर मरो, यही आशीर्वाद की शैली है। मैं किस बात पर कहा मैं भूल गया, लिंक राम राज में अकाल मृत्यु नहीं हुई, अल्प मृत्यु नहीं, कौन उपीरा सब सुंदर सब विरुज शरीरा। कभी अकाल मृत्यु नहीं हुई, सब सुंदर थे और सब बिना रोग के थे। और वर्णन किया जा रहा है कि दंड शब्द का प्रयोग भगवान के राज्य में नहीं था, दंड संहिता या दंडालय न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोई गलती करता ही नहीं था, इसलिए दंड शब्द विदा हो गया था राज से। हाँ, एक जगह दंड शब्द का प्रयोग किया जाता था, दंड जतिन कर। दंड शब्द तब लोग याद करते थे जब सन्यासियों को देखते थे, अच्छा दंड वहां है, ऐसे वो दंड देखते थे। दंड जतिन कर, जतियों के हाथ में दंड शब्द बसता, और कहीं दंड नहीं था, किसी को दंड नहीं दिया जाता। दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, और भेद शब्द राम राज में कहीं नहीं था, किसी में किसी भी बात के लिए भेद नहीं था, वर्ग भेद, जाति भेद, यह भेद वह भेद, ये भेद भावना निरस्त थी। भेद शब्द कहां था, नाचने गाने वालों के समाज में था, स्वर भेद, ताल भेद, राग भेद, भेद शब्द केवल वही था। तो दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, मांगे वारिद दे ही जल रामचंद्र के राज। रामचंद्र के राज में बादल मांगने पर पानी दे देते थे, जिसको जितनी आवश्यकता होती थी उतना पानी। एक बार एक भक्त ने पूछा कि अलग अलग किसान के खेत में अलग अलग दिन वर्षा होती थी। मैं कहा इस प्रकार के कृषक नहीं थे कि डिस्टर्ब करें बादल को, वो ठीक से काम करते थे समय से। ऐसा नहीं है कि अब इस खेत में आज वर्षा हुई तो कल दूसरे खेत में होगी, समय से वर्षा हो जाती थी, इसको मांगना कहते हैं। प्राय सभी किसान एक ही समय में मांगते थे, एक प्रकार की फसल होती है बोते हैं। मांगे बारिद दे ही जल, बारिद का अर्थ बारिद देने वाले, जल देने वाले, मेघ मांगने पर जल दे देते, इसका अर्थ है कि जितनी जरूरत पड़ती थी, जैसी कामना होती थी वर्षा हो जाती। एक बार मैं कथा कह रहा था सागर में, तो कह दिया कि भगवान राम के राज्य में कोई क्राइम नहीं किया कभी भी, इसलिए वकीलों की कोई जरूरत नहीं थी, और कोई कभी बीमार नहीं हुआ, कोई रोग नहीं, इसलिए डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं थी। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर के पूछा, तब तो राम राज में वकील और डॉक्टर सब खाने बिना मर रहे हों। कहा से कहा बात।
अभी सुना अकाल मृत्यु नहीं कुछ नहीं, सबको सब चीज सुलत हो, वकील की जरूरत ही क्या थी। वकील की जरूरत तो जब अंग्रेज आए तब कर दिए, इसके पहले भी नहीं थी। अंग्रेज अपनी सत्ता जमाने के लिए तीन काम चालू किए, कोर्ट, काउंसिल और कॉलेज। तो उन्होंने ये कहा कि शिक्षाएं जो दी जाती हैं और इस प्रकार स्वतंत्र विद्यालय में नहीं, हम सिलेबस निश्चित करेंगे, हम पाठ्यक्रम निश्चित करेंगे और कॉलेज में लड़के पढ़ेंगे। तो वे अपने अनुसार लिखने के लिखे, किताबें लिखे, किसी भी विषय पर कल्पना करके, ये करके वो करके, तो वही बच्चे पढ़ रहे हैं आज तक, वही सब चल रहा है। अनास्था पैदा करने के लिए हिंदू संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ये चाल चला गया। अच्छा, कोई कहीं विवाद करता है, झगड़ा करता है, कलह करता है तो ग्राम पंचायत में उसको नहीं सुलटाया जाए। अंग्रेजों ने ये कहना चालू किया कि गांव के लोग पक्षपाती होते हैं, किसी एक का पक्ष ले लेंगे, इसलिए इन्होंने कोर्ट बनाया, कोई भी बात हो तो लाओ हमारे पास, हम फैसला देंगे। कौन फैसला देगा? जो देखा नहीं है वो सुनेगा, बात मिलाएगा, इसके बाद जो भी फैसला देना होगा देगा। तो छोटी छोटी बात के लिए भी बस कोर्ट में पहुंचो, और एक फैसला मिलने में 10 बरस 20 बरस हो जाता, तब भी नहीं मिलता, दूसरी पीढ़ी केस लड़ती और केस कब समाप्त होता है? जब दोनों पार्टी का पैसा समाप्त हो, चल समाप्त होना ही है। अंग्रेजों ने काउंसिल बनाया, काउंसिल मतलब कोई विधान बनाना हो, कोई रिसोल्यूशन बनाना हो तो कोई आदमी मीटिंग करके आपस में गांव में या शहर में समाज में नहीं बना सकता। जो भी धार्मिक नियम, चाहे सामाजिक नियम, आर्थिक नियम, हम बनाएंगे, और काउंसिल होती थी। तो वो लोग क्या चलाकी किए, भारतीयों को शुरू में रखते थे, हम इनसे राय लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और अपना जो नियम बनाना था बना बना कर देने लगे। इस प्रकार की बात। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये वकील आदि भी ये तो पहले नहीं थे, झगड़ा होता था और उसे बात की बात में गांव के लोग सलटा देते थे, एक ही दिन में सारा मामला समाप्त हो जाता था, परस्पर वांछा कल्प तरु करते थे और ठीक हो जाता था। लेकिन इस तरह से बढ़ गई बात। तो भगवान श्री राम के राज्य का वर्णन हो रहा है, बहुत ही सुंदर शासन, कई प्रकार से वर्णन किया गया। कभी भी सूर्य में अधिक उष्मा नहीं निकली, कहीं आग नहीं लगी, कोई दरिद्र नहीं था, कोई बिना पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत सुंदर व्यवस्था। क्या क्या वर्णन किया गया, तो यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं महाराज आ, वास्तविक महाराज आप हैं भगवान श्री राम के, राजा भीराज, अयोध्या के राजा भगवान श्री राम। आप कहीं भी सुनते हैं किसी के शासन का वर्णन हो, कोई कहता है कि अरे ऐसा शासन होना चाहिए, लेकिन भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी ये शब्द है कि राम राज्य, भाई अद्भुत सुनते हैं। तो कुछ मूर्ख तो कह देते हैं ये सब कल्पना किया गया है, उनके दिमाग में तो बात बैठती नहीं है, वैसा संभव ही नहीं हो सकता। संभव क्यों नहीं हो सकता? संभव हो सकता है। अब तो हम तो देखते हैं कि कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों के बाद भारतवर्ष में भी लड़के ये नहीं जानेंगे कि पहले के लोग बैठकर पेशाब करते थे। अगर कोई कहेगा कि पहले के लोग बैठकर पेशाब करते थे तो कहेंगे ये सब कल्पना है, ये हम नहीं मानते है ना। अभी भी 50% से अधिक लोगों की संख्या हो चुकी होगी खड़ा पेशाब करने वालों। और स्थान भी ऐसे बनाए जाते हैं कि खड़ा ही पेशाब आप कर सकते हैं, बैठ कर पेशाब करने की कोई सुविधा नहीं, ये तो समाज कर रहा है। कई बातें वास्तव में कल्पना के सागर में डूब जाएंगी, बाद में आदमी सोचेगा कि कल्पना है, कल्पना है, कल्पना, कल्पना नहीं,
आज के लिए वो कल्पना लग रही है, लेकिन एक दिन वह फैक्ट था, भगवान का राज्य ऐसा था। एक ही गलती हुई थी उनके राज्य में, जैसा लोग साधु लोग वर्णन करते हैं, एक बार केवल एक क्राइम हुआ था। वो क्या हुआ था, एक कुत्ते को एक मंदिर के महंत ने थोड़ा मार दिया था। तो कुत्ता भगवान राम के दरबार में आया कि हमको क्यों मारा गया। बस एक ही फैसला देने के लिए केस आया भगवान के पास। तो अब इसके लिए कोई नियम पहले से नहीं था कि कुत्ता को कोई महंत मार दे तो क्या दंड देना चाहिए। और पहले से कोई कोड रहता, कोई रूल रहता तो दंड दिया जाता। तो भगवान ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम क्या दंड देना चाहते हो उसको। तो उसने कहा कि सरकार, मैं यही दंड देना चाहता हूं कि किसी मंदिर का अध्यक्ष महंत उसको बना दिया जाए, किसी मठ का, मंदिर का नहीं, मंदिर तो भगवान का होता है, मठ मैंने ऐसे ही सन्यासी चाहे कोई दूसरा, मठ का मालिक बना दिया जाए उसको। तो भगवान को आश्चर्य हो गया, पूछे अरे ये कौन दंड है, तो पुरस्कार है, नाम दिया जा रहा है। तो कुत्ता ने कहा कि सरकार मैं भी पहले महंत था मठ का। और महंत बहुत पक्षपात करते हैं, गलती करते हैं, विषमता करते हैं, तो उनको कुत्ता होना पड़ता है। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि इसको कुत्ते की जोनी मिले, इसलिए महंत बनाना चाहता हूं। तो यही केवल एक केस गया था भगवान राम के राज्य, बाकी कभी नहीं गया। महंतों को, अध्यक्षों को बहुत सावधान रहना चाहिए, और सबसे सावधानी की आवश्यकता है विषमता नहीं होनी चाहिए। सबको अपने परिवार का मान करके सबके साथ सम व्यवहार करें। यह विषमता आई कि अब वैष्णव लोग तो कुत्ते की जोनी में नहीं जाएंगे, ये तो निश्चित है, लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए। तो भगवान श्री राम का राज्य ऐसा था। आगे हनुमान जी कहते हैं कि भगवान विशुद्ध परब्रह्म है, जब तक विशुद्ध अनुभव मात्र में कम, और भगवान ज्ञान घन है, चिन्मय है, जड़ कुछ भी नहीं है श्री राम में। उनका आयुध, उनका वस्त्र, उनका आसन और सब कुछ चिन्मय है, दिव्य है, और फिर श्री विग्रह के लिए तो कहना ही क्या। तब इस पर प्रश्न होता है कि भगवान है तब फिर दशरथ जी के पुत्र क्यों बने, जब ये प्रकृति से पार हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अभाव नहीं है, तो फिर वे दशरथ का पुत्र बनकर और अपनी प्रिया के विरह में इस तरह क्यों विलाप करते हुए घूमते रहते थे। प्रश्न बनता है, वैकुंठ में क्या भगवान को कोई कमी हो गई थी किसी स्त्री की, या जैसे तैसे किया करके हर रो रो कर खोज रहे। स्त्री के विरह में तो वह व्यक्ति रोता है जो आत्मा राम नहीं है, स्त्री राम है, स्त्री रमन में रमण कर रहा है, स्त्री से सुखी हो रहा है, या और वस्तुएं चाहिए, तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, मर्त्यावतारस त्रिहमर्त शिक्षण रक्षो बधायै वन केवलम विभो। भगवान का जो मनुष्यावतार होता है वह केवल राक्षस का वध करने के लिए नहीं, भगवान श्री राम रक्षो बधायै वन केवलम विभो, सर्वसमर्थ भगवान, वो संकल्प मात्र से रावण को मार सकते थे। तो राक्षस का वध करने के लिए ही भगवान का अवतार नहीं हुआ, किसके लिए हुआ, मर्त शिक्षण, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ। अपनी आचार्य धर्म जीवे रे सिखा है, मनुष्यों को मर्त कहा जाता है और देवताओं को अमर्त कहा जाता है। मर्त का अर्थ है मरने योग्य, मर्त्य शब्द का संस्कृत में यही अर्थ है, हूबहू मरने योग्य, मरण धर्म। मनुष्य के साथ क्षण क्षण में मृत्यु लगी हुई है, देवताओं के पास मृत्यु इतने देर तक नहीं रहती है, आती है मार देती है, लेकिन मनुष्यों के साथ हमेशा लगी रहती है, कहां मारेगी कोई ठीक नहीं, ना जाने की तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। मनुष्य टूर में निकलता है, यात्रा में निकलता है, तब तक
रेल एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट हो जाता है, या शरीर में ही कोई अंग फैल कर गया, हृदय फैल कर गया, या चाहे कोई अंग पैरालाइज्ड हो गया। देवताओं के यहाँ ये सब चीज नहीं है, देवताओं के यहाँ कोई रोग नहीं है, अस्पताल नहीं है। ये सब भागवत में कह रहा हूं, पंचम स्कंध में सारी बातें लिखी गई। लेकिन मनुष्य लोक में तो अस्पताल चाहिए, यहाँ कारागृह चाहिए, और भी नाना प्रकार की बातें हैं, दृश्य है जो इस बात को बता रहे हैं कि मनुष्य बड़ा दुख में है, मरण धर्मा है। तो ऐसे मरण धर्मा मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतार होता है। तब इस पर प्रश्न होता है, ठीक है, शिक्षा देने के लिए भगवान अवतार लिए, तो सीता के विरह में रो रो करके कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? यही सबसे बड़ी शिक्षा भगवान दे रहे हैं। इस संसार में स्त्री में आसक्त होकर के व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य से हाथ धो लेता है। भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं कि अपनी पत्नी में भी अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कोई वास्तविक रिलेशन नहीं है, धोखा है। तो जितना दिन रहना हो ठीक है, काम चला लिया, परिवार बसाया, बच्चों की सेवा हुई, लेकिन समय पर त्याग भी देना चाहिए, सीखना चाहिए त्याग मनुष्य को। और जो लोग अत्यधिक ममता करते हैं, अत्यधिक स्नेह करते हैं अपनी पत्नी में, उनकी वही दशा होती है जो राम की हुई। ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं, नहीं तो भगवान का और क्या घट गया था? जब वन में जाना चाहते थे तो सीता जाना चाहते थे, भगवान कहते थे मत जाओ मत जाओ, अगर नहीं गई होती तो भगवान सुखी रहते। मैं मनुष्य दृष्टि से बोल रहा हूं, मनुष्यों को भगवान शिक्षा दे रहे हैं, भगवान में तो कोई दुख है नहीं। जो लोग स्त्री में आसक्त होते हैं तो बहुत दुख उनको होता है, ऐसा दुख और किसी कारण से नहीं होता। न तथा से भवेद बंध मोहस चान्य प्रसंगत, भागवत में कहा गया है कि ऐसा बंधन और ऐसा अज्ञान मोह अन्य में आसक्ति से नहीं होता है जितना स्त्री में आसक्त होने से और स्त्री संगियों के संग में आसक्त होने से होता है। बहुत बड़ा बंधन लगता है, और जो बंधन है वो टूट जाते हैं, लगते हैं बंधन संसार में, लेकिन यह जो बंधन है स्त्री पुरुष का, ये दोनों ओर से होता है, इसीलिए टूटना कठिन होता है। अगर पुरुष मान लीजिए भगवान की भक्ति करे, विरक्त भी हो जाए, तो स्त्री पकड़ी रहेगी उसको, अगर स्त्री विरक्त होती है तो पुरुष पकड़ा रहेगा उसको। जो वो पकड़ ऐसी है, मान लीजिए एक लूज किया तो एक पकड़ा है, और एक लूज किया तो एक पकड़ा है, दोनों ओर से आ सकती है। लेकिन किसी ऐसी वस्तु में, मान लीजिए हमारी आसक्ति यदि इस किताब में है, तो हमारी आसक्ति टूटी तो टूट गई, इस किताब की कोई आसक्ति हम में नहीं है, यह मेरे पीछे नहीं घूमेगी किताब। तो स्त्री और पुरुष की आसक्ति संसार में बहुत प्रबल है, मरते दम तक यह आसक्ति नहीं जाती है। इसलिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है स्नेह करना चाहिए, संबंध रखना चाहिए, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, नहीं तो दुख भोगना पड़ेगा। यही शिक्षा श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी अपनी टीका में कहते हैं, भगवान यह शिक्षा देने के लिए। अच्छा, दूसरी शिक्षा क्या है कि जो पत्नी सारा सुख छोड़ करके पति की सेवा कर रही है, तो उस पर यदि कोई संकट आवे तो समुद्र पर पुल बांध करके भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। यह भी एक शिक्षा है। सीता अयोध्या का सुख छोड़ दी। महाराज दशरथ सुमन जी को कहे थे कि यदि राम न लौटे वन से तो सीता को लौटा लीजिएगा, यदि वो आएगी तो मैं जी जाऊंगा, मेरे प्राण का अवलंबन रह जाएगा। तो यहां वर्णन है कि सुमंत जी सीता जी को समझाने लगे, बेटी तुमको कोई वनवास नहीं दिया गया है, और ये लोग तो पुरुष है, कष्ट सह लेंगे, लेकिन तुमसे हमारी विनय है, तुम चलो, तुम्हारे ससुर ने कहा है, दशरथ महाराज ने कहा है कि किसी तरह लौटा करके लाना, वे निश्चित मर जाएंगे यदि तुम नहीं लौटोगी। तो
तो सीता जी कहती हैं कि देखिए हमारा धर्म है, हमें पति की सेवा करनी है और हमें कोई कष्ट नहीं है। पिताजी से जाकर कह दीजिए, मतलब दशरथ महाराज से कह दीजिए कि सीता बिल्कुल सुखी है, भगवान के साथ रहकर पति के साथ रहकर मैं पूर्ण सुखी हूं, मेरी सपने में भी चिंता न करें। तो सीता जी नहीं कहें, कहते हैं कि पति देव के चरण कमल के अलावा सपने में भी मेरा मन कहीं सुखी नहीं हो सकता है, मैं वन में सुखी हूं। और चित्रकूट का वर्णन मैं नहीं किया, वहां वर्णन आया है कि सीता जी अयोध्या में जितना सुखी थी उससे 100 गुना सुख मान रही थी चित्रकूट में, और शायद अयोध्या में भगवान श्री राम से उनकी भेंट नहीं होती बहुत, भगवान राजकाज में रहते, लेकिन यहाँ क्षण क्षण में अपने प्रियतम के मुखारबिंद को देख करके उनकी सेवा करके डायरेक्ट जो सीता को सुख हो रहा था वो सुख अयोध्या में नहीं मिलता। सीता जी अनुभव कर रहे थे कि जो मुनियों की पत्नियां थीं, जैसे अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया, तो वे लोग ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वही सास है इनकी, और वे मुनि लोग ऐसा व्यवहार करते थे कि वही ससुर है, इतना सुख मिलता था, इतना स्नेह देते थे वो। तो सपने में भी सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या के विषय में नहीं सोचते थे, भूल गए पूरा पूरा। अयोध्या का स्मरण भगवान राम करते थे, जब जब राम अवध शुद्धि करें तब तब बारी विलोचन भरें। भगवान जब जब अपने पिताजी की याद करते थे और भरत की, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता था, लेकिन लक्ष्मण जी और सीता जी कभी याद नहीं करते, वे तृप्त थे, सुखी थे। तो कहने का आशय है कि जो स्त्री मन कर्म और वचन से पति के अनुरक्त है, सेवा कर रही है, तो उस स्त्री का सब तरह से पोषण करना धर्म है। यदि वो संकट में पड़ जाती है तो अपनी शक्ति भर उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसके संकट का प्रतिकार करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। दो शिक्षा दी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये बात लिखी है, भगवान ने शिक्षा दिया, तो अनाशक्ति की भी शिक्षा दिया और पत्नी के पालन की भी शिक्षा दिया भगवान ने अपने इस आचरण द्वारा। दोनों शिक्षा वास्तव में सत्य बात, मर्त्यावतारस्त्विमर्त शिक्षणम रक्षो बधाय यौवन केवलम विभव। भगवान का अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं हुआ, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ, असली उद्देश्य यही है। अपने आचरण से भगवान ने सिखाया, बचपन से लेकर के अपने लीला में अपने धाम में जाने तक भगवान के जो भी आचरण है वो अद्भुत है, सीखने लायक, कई बातें सीखने लायक है। जैसे लक्ष्मण जी सिखा रहे हैं, भरत जी सिखा रहे हैं, भरत जी से सीखना चाहिए भाई से प्रेम, जब भाइयों में प्रेम रहता है तो जीवन बड़ा सुखमय रहता है। हमारे यहाँ गांव में कहते हैं भाई ऐसा दुश्मन है, भाई ऐसा हित कोई ना होता, ऐसा कहते हैं। भाई यदि साथ देता है तो सफलता चरण चूमती है, भाई यदि विरुद्ध हो जाए तो फिर कहीं सुख नहीं। ये आचरण से सीखना चाहिए, और उस समय यह रामायण लिखा गया रामचरितमानस, जिस समय कुछ भाइयों के मतभेद के कारण विदेशी आक्रमण हो रहा था हमारे देश में, जयचंद और पृथ्वी राज के विषय में आप लोगों ने कुछ सुना होगा। जयचंद जाकर मोहम्मद गोरी को निमंत्रित किया कि आप आइए और पृथ्वीराज को हराइए, देसावा में तुरु का बोलावले जय चंदावा, भारतेंदु हरिश्चंद जी ने पद लिखा, अरे जयचंद इस देश में तुम तुर्क को बुलाया, निमंत्रण दिया था। तो भाइयों में मतभेद होने के कारण भारतीय राजा परास्त हो गए, नहीं तो कभी परास्त नहीं हुए होते। यह एक शिक्षा दी जाती है, जैसे देश स्तर की बात है तो उसी तरह से परिवार में भी यदि भाई से प्रेम है तो बहुत सुख रहता है। यह एक बहुत एसेंशियल शिक्षा है, लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए जितेंद्रियता। वे सीता को हमेशा माँ कहते थे, कभी भी भाभी नहीं कहे, और उस समय लक्ष्मण जी के चरित्र का पर्दाफाश होता है। जिस समय भगवान श्री राम किष्किंधा में पहुंचे
वे सीता को खोजते जा रहे थे, झुरमुटों में, कंदरा में रोते हुए जा रहे थे। तो सुग्रीव एक पर्वत शिखर के ऊपर बैठे थे, बाली ने उनको मारकर घर से